आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीपी पाठशाला। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग शेड्यूल डाल देंगे तो और उसके वीडियोस भी डाल देंगे, जैसा कि मैं वीडियोस को आपके सामने भी लेके आ रहा हूँ। कंटेंट ऑलरेडी हम लोगों ने रात को ही डाल दिया था आप लोगों के लिए एप्लीकेशन के ऊपर में, रेक्टामार एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। और इसको कंटेंट कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ पाओगे, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आज क्या क्या करना है वो एक बार चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद में ये कोर्स कितने का मिलेगा, सीटी पाठशाला वालों के स्टूडेंट के लिए है या नहीं है, या फिर रक्तामा स्टूडेंट कहाँ पे जाके इसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली चीज आज जो है, आज लगभग 12 बजे के आसपास में आप लोग को एक फुल लेंथ मॉकटेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस फुल लेंथ जो मॉकटेस्ट आएगा, इसके अंदर में 90 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, और ये जो 90 क्वेश्चन है ये उन टॉपिक्स के ऊपर में है जो कि सीटी का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर में से हम लोगों ने जो डिवाइड करके आप लोग के लिए लेके आए हैं कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे और इन टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इन टॉपिक्स के जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हरियाणा जीके के अंदर में जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे साइंस है, साइंस का जंतु विज्ञान की शाखाएं प्रमुख जीव वैज्ञानिक जंतु जनक और खुद विकास और अनुवांशिकी, ये पांच चैप्टर हम लोग बायोलॉजी के करेंगे। अब आप बोलोगे सर दिन के अंदर में पांच पांच चैप्टर हम लोग बायोलॉजी के करेंगे, बेटा ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इस सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करके रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से करके रखा है। मान लीजिए अगर एक कोई चैप्टर है उसके अंदर में 250 क्वेश्चन है तो हम लोगों ने इसे उस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आज आपको साइंस के सर मैं 250 क्वेश्चन याद करने के लिए दूंगा या 200 क्वेश्चन ही याद करने के लिए दूंगा, तो अगर एक चैप्टर के अंदर में 250 क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना तो मैं आपको एक ही चैप्टर दे रहा हूँ। अब इन जो चैप्टर्स हैं ना इसके अंदर में लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन है, 150 से 200 के आसपास में क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पाँच चैप्टर एक साथ आपको दे दिए ताकि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके एक ही दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। अब जैसे इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसके अंदर में प्रागैतिहासिक काल, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण और यूरोपियों का आक्रमण, ठीक है। अब ये जो चार चैप्टर्स हैं ये छोटे छोटे चैप्टर्स थे, जैसे एक एंशियंट इंडिया का है, बाकी के जो चार हैं वो आपके मॉडर्न इंडिया का। तो ये मैंने चार चैप्टर्स लिए और इन चार चैप्टर्स को मैंने हिस्ट्री के अंदर में डाल दिया, और आप लोग को इसका चैप्टर वाइज मैं कंटेंट दे दूंगा कि एक इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं और आपको इतने क्वेश्चन को कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट भी वहाँ पर मिल जाएगा ताकि उसको पढ़ के बाद में आप टेस्ट दे सकें, ठीक है। इकोनॉमिक्स सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पृथ्वी और ब्रह्मांड का है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का परिचय मैंने आप लोग को दे दिया, इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, स्टैटिक जीके में भारत में प्रथम, देखिए भारत में जो प्रथम है ना ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर में एक चीज नहीं आती कि कोई जेंट्स का नाम हो गया या फिर लेडीज का नाम हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर में भारत में प्रथम है, तो इन सारे की सारी डिटेल्स हम लोगों ने इसके अंदर में दे दिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यूएनओ का पूरा दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन 30 MCQ, ठीक है, और 30 MCQ, इसके अंदर में हम लोग आपको देंगे इन्वायरमेंट के अंदर में, या तो हम इन्वायरमेंट देंगे या आपको यूएनओ देंगे, इन दोनों में से एक कोई ना कोई आपको हम लोग देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना ऑलरेडी 30 दिन के अंदर में, अगर 15 दिन भी चलोगे ना तो इन्वायरमेंट ग्लोबलाइजेशन क्लाइमेट आपका ईजिली हो जाएगा। इन तीनों टॉपिक्स के अंदर में से इन्वायरमेंट ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट, इन तीनों टॉपिक्स के अंदर में से लगभग 700 से 800 क्वेश्चन बनते हैं, वो डेली बेसिस पे अगर आपके 30 दिन की शीट्स आ रही है ना और आप 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से भी करते तो आप इजीली हो जाओ कर लोगे उसमें। वैसे ही आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर में लगभग 5 दिन का टॉपिक ऐसे रखिए, हमने जो आपको आज दिया है ना वो लगभग ये मान के चलो 25% हम लोगों ने आपका सिलेबस कम्प्लीट करा दिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, 75% की जो नोट्स है ना वो आपको जल्द मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डाल दिए हैं, हिंदी के
छत्तीस से ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए हैं, टॉपिक वाइज डाल रहे हैं। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डाल दिए हैं, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन डाल दिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लास्ट के आगे कंप्यूटर को मिला के जो आपके जो पांच सब्जेक्ट्स हो गए ना, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, देखिए ये टोटली ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये टोटली जो है वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर में डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 25 क्वेश्चन के यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आप इंग्लिश का ले रहे हो तो इंग्लिश का आपको हर एक टॉपिक से कभी सिनोनिम कर लिया, कभी एंटोनिम कर लिया, कभी फिलिंग हेडलाइंस कर दिए, ठीक है, कभी आइडियम फ्रेजेस कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिए, पैसेजेस कर लिए, तो आपको इस तरीके से करना है। वैसे ही हिंदी का आपको कोई भी एक एडिशनल बुक फॉलो करनी है और उस बुक को एक टॉपिक पकड़ना है, उसके एमसीक्यू लगा देना। तो आपके ये जो टॉपिक्स है ना, मैथ रीजनिंग, इनका इनका सब इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे आप लोग को, और आज के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आएगा, और जो इनके जो डिटेल्ड आंसर शीट है ये भी आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, ठीक है। और जो जैसे कल का जो सिलेबस होगा, कल का सिलेबस आपको कल को मिलेगा, ठीक है, वही मॉर्निंग में आपको 7 बजे करीब वीडियो मिल जाएगी कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं कि ये कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। अब आसानी से ध्यान से सुनिएगा, वीडियोस तो मुझे मालूम आप पूरा देखेंगे भी नहीं, फिर भी आप चैनल के ऊपर में या फिर अपने यूट्यूब कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर में कमेंट करके लिखेंगे कंटेंट कहाँ पे आने पर मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले वीडियो देख के आप बोलेंगे कंटेंट कहाँ पर, ठीक है। देखिए एक है सीटी पाठशाला के स्टूडेंट, ठीक है, सीटी पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं और रट्टा मार के स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, और है रट्टा मार के स्टूडेंट। अब आपको जो रट्टा मारे उन्होंने तो ऑलरेडी रट्टा मार का चैनल डाउनलोड करके रखा हुआ, ठीक है, और जो सीटी पाठशाला वाले हैं कुछ नहीं करके रखा हुआ, कुछ नहीं करके रखा। तो जो सीटी पाठशाला वाले स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले तो रट्टा मार अप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले रट्टा मार अप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद में जो अपना व्हाट्सएप नंबर है 9518254542, इस व्हाट्सएप नंबर के अंदर में आपने जो सीटी पाठशाला में जो आपका जिस नंबर से आपने कोर्स परचेज किया था वो नंबर लिख देना है और अपना नाम लिख के भेज देना, और ये लिखना है कि मैंने कोर्स परचेज किया हुआ है सीटी पाठशाला से, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, मुझे आप जो रट्टा मार में जो बैच है उसके अंदर में ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, आप जो नंबर भेजोगे ना उसको हम अपने डेटाबेस के अंदर में चेक कर लेंगे कि इससे कोर्स परचेज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। उसके बाद में रट्टा मार के ऊपर में रट्टा मार अप्लीकेशन के अंदर में जो बैक सेक्शन है उसके अंदर में हम आपका जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे और आपको अपने बैच के अंदर में, देखो रट्टा मार जो अप्लीकेशन है होम के बगल में बैचेस का सेक्शन है, बैचेस में क्लिक करोगे जब आपका नंबर ऐड हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको सारा का सारा कंटेंट दिखने लग जाएगा। तो कंटेंट में जाना और एक दो जगह पर खोलना, आपको सारा पता चल जाएगा कि डेली बेसिस पे डे वन डे टू डे थ्री आपका कंटेंट किस तरीके से। समझ में आ गया, दोबारा बता देता हूँ, आपका जो नंबर है जिस नंबर से आपने परचेज किया हुआ है उस नंबर को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और कह देना ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, मुझे बैच में ऐड कर दो क्योंकि मैंने बैच परचेज किया हुआ है। यही चीज़ रट्टा मार स्टूडेंट को भी करनी है, क्योंकि तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट इतने भी हो सकता है एक दो बच्चे का मिस हो जाए हमसे, तो आपको बताना है कि मैंने ये कोर्स परचेज किया हुआ था, अपना नंबर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस नंबर से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है और इस नंबर से परचेज किया है, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि भैया आपने परचेज किया हो और आप इस बैच में ऐड हो कि नहीं बैच में ऐड हो, तो वो हम इजीली आपको वहाँ पे जाके ऐड कर देंगे और बैचेज में जाने के बाद में आपको कंटेंट आराम कर दिया, ठीक है। मेरा काम था कंटेंट देना, डेली बेसिस पर आपको कंटेंट देना, आपका काम है पढ़ना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप लोग अभी भी आधे से ज़्यादा बच्चे 90%, क्योंकि मुझे मालूम है कि 90% बच्चे बहुत होशियार हैं, वो अभी भी पूछेंगे कि कंटेंट कहाँ पे है,
क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं। दूसरी चीज, कई होशियार बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि भाई आंसर शीट भी पीडीएफ के तौर में दो। पीडीएफ दिन के अंदर में 200 पेज की आएगी, 200 पेज का क्या प्रिंट आउट ले लोगे क्या? नहीं ले पाओगे, मुझे मालूम है आपको स्टोर करके रखे हुए हैं, इसीलिए इसका एक इंतजाम किया हुआ है। आप लोग को जो क्वेश्चन की शीट है, जो प्रिंट आउट लेने की जो शीट है वो अलग मिलेगी, और जो आंसर की शीट है वो सिर्फ एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मोबाइल फोन में पढ़ाया नहीं जाता सर, जो टॉपर्स हैं जो टॉप करेंगे वो ऑलरेडी जब से एग्ज़ाम में आए थे उससे पहले से पढ़ रहे थे, डेली के जब से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। उन्होंने 5-5, 10-10 जगह से कोर्स भी लिया हुआ है, उन कोर्स को भी पढ़ रहे हैं वो लोग, अलग अलग बुक्स, एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल गया वो सारी उन्होंने परचेज भी की हुई है, अपने नोट्स भी बना रहे हैं, मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जाके भी पढ़ते हैं, और ऑनलाइन में भी एक्सेस ले रखा है तो ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये मत कहना कि बहुत मुश्किल है, पढ़ा नहीं जाता। अपने आपको अगर इतना आप डाउन कर लोगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर ये बात बढ़ेगी नहीं, बात यहीं से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अभी से ही हार मान लोगे। तो ये कहना छोड़ दो, एक सीटी पाठशाला में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि मैं मोबाइल से नहीं पढ़ सकता, इतना कंटेंट ले लिया एक दिन के अंदर में 20 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने कई बार ये सिलेबस कर रखा होगा, आपको सिर्फ एक बार ब्रश अप करना है, प्रैक्टिस और रिवाइज करना है। और अगर आपने नहीं भी कर रखा है ना, इतनी गारंटी देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन के तौर पे ये रख लेना और साथ में एक बुक फॉलो कर लेना। क्या? साथ में एक बुक फॉलो कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपका नहीं जाएगा, ठीक है। कल फिर आऊँगा आपके सामने, लेकिन आज शाम को पहले आएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ। कोशिश करूँगा लाइव आने की, अगर लाइव आ सको, क्योंकि समय नहीं मिलता इतना सारा कंटेंट जब बना के देते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप पे कोई भी हो, कैरी हो, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस रिकॉर्ड करो, भेजो, नंबर भेज दो, नाम भेज दो, मैंने कोर्स परचेज किया हो, आपको बैच में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा 30 मिनट के लिए, ठीक है। धन्यवाद।